हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट एक वन एंड हाफ मंथ ही लगा लो अच्छे से रिविजन के लिए आपके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी तैयार नहीं है वो भी अगर चाहें तो आपके पास 45 डेज है, तो उसमें अच्छे से स्ट्रेटजीज बनाकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये वाली वीडियोस हम बना रहे हैं आईपैक नेमिंग की, ये हेल्पफुल रहेगी कंप्लीट 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास के दो चैप्टर्स आते हैं, उसमें फर्स्ट जो सबसे बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोल दो आप, जीओसी उसमें आ जाएगी, आईपैक नेमिंग आएगा, आइसोमर आ जाएगा, ऑल थिंग्स। अगर वो आपको बैकबोन है ऑर्गेनिक, अगर वो आपको समझ आ जाएगा तभी आगे टॉपिक्स आपको समझ आएंगे। तो आज के आईपैक अगर हम क्लास 10th में बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर था, उसमें आपके जो आईपैक नेमिंग आती है वो ओनली चार ही फंक्शन ग्रुप की आती है, लाइक अल्कोहल की आनी चाहिए आपको, एल्डिहाइड की, कीटोन की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। तो वो उतना पता होना चाहिए आपको। तो आज की वीडियोस में हम सभी को डिस्कशन करने वाले हैं जनरल रूल्स क्या होते हैं। अगर ये वीडियोस एक किसी भी स्टूडेंट्स ने देख ली तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से डबल ट्रिपल वाले और नॉर्मल वाले हो, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेनी है, पेन नोटबुक आप लेकर बैठिए, जो हम क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं खुद से। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो देखिए आईपैक नेमिंग का वैसे अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नेम डिसाइड करती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स, जैसे मॉडर्न डेफिनेशंस क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। दैट मींस ज्यादातर आप कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले, उसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो उनका नेमिंग हम कैसे करें, तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स डिफाइन किए गए हैं। आईपैक में वीडियो स्टॉप करनी पड़ी तो हम डिस्कशन कर रहे थे आईपैक, ये तो फुल फॉर्म थी, इसका कोई काम नहीं है। तो जनरल थिंग्स हम बताएं स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो जनरल थिंग्स उसको क्या बोलते हैं हम, एल्केन। क्या बोलते हैं आपके पास, एल्केन बोलते हैं अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+2। अगर आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम एल्कीन बोलते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये 10th का वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बता रहे हैं हम। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तब आपका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसको बोला जाता है एल्काइन, ठीक है। ये तो नेम्स होंगे, बाद में हमने वो एक वीडियोस बनाई भी हुई है 10th क्लास वाले में। फिर आपको देखना है कि अगर कार्बन एक होगा तो आप क्या वर्ड यूज करते हो। कार्बन अगर स्टूडेंट्स एक होगा तो हम यूज करते हैं मीथ, अगर कार्बन दो होगा तो हम यूज करते हैं ईथ, अगर कार्बन दो होगा तो स्टूडेंट्स आप क्या यूज करोगे ईथ, अगर कार्बन तीन होगा तो आप यूज करेंगे प्रोप, अगर कार्बन चार होगा तो आप यूज करोगे ब्यूट, पांच होगा तो स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे पेंटा, ठीक है। छह होंगे तो हम हेक्सा यूज करेंगे, सात है तो आप हेप्ट यूज करोगे, आठ है तो स्टूडेंट्स आप ओक्ट यूज करोगे, नौ है आपके लिए कार्बन तो नोन यूज करोगे, 10 कार्बन है तो स्टूडेंट्स डेका, 11 के लिए एनडेक और 12 के लिए डोडेक। तो ये तो सिंपल नेम्स है कि कार्बन एक के लिए क्या यूज कर रहे हो, टू के लिए क्या यूज कर रहे हो, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, ऐसे 12 तक नेम्स करने हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो आपको नेमिंग्स थी जनरल वाली। अब फंक्शनल ग्रुप्स में कैसे नेमिंग आएगी, कैसे आप करोगे, क्या रूल्स होते हैं वो हम बताने वाले हैं आपको, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ये तो जनरल फार्मूला, मान लो पेपर में आपको कह दिया जाए कि पेंट इन का फार्मूला बनाइए, तो पेंट दैट मीन्स पांच, तो एन की वैल्यू पांच पुट करोगे फार्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चर्स बनाने हो बना सकते हो आप इजीली। ये 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, 11th में थोड़ा सा आपके सारे फंक्शनल ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। अब कैसे करना है आपको, अब ये आपको बताए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH4, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है मीथेन, इसका मीथेन। अगर इसमें से हम A का चटा दें और यहाँ पे एक X लगा दें, मान लो प्लस X कर दें, X का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैलोजन। मान लो हमने कोई हैलोजन लगा दिया, वो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3X। अगर आपसे कोई इसका नाम पूछ ले, मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH4 है, A का चटा के CL लगा दिया, तो ये बन गया CH3, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन, मतलब इसका नाम आप याद रख सकते हो हेलो अल्केन। अब देखो सिंपल सा वे है, इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन थे उसमें आपने हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, लाइक आपने एक्स लगा दिया, तो ये CH3X बन गया, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में अब कौन आ गया, हेलोजन आ गया। तो इसका अगर आपको जनरल आईपैक नेमिंग करनी है तो क्या होता है, हेलो अल्कीन। और अगर इसको स्टूडेंट्स आपको कॉमन नेम करना हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अल्काइल हेलाइड। क्या यूज करते हैं, अल्काइल हेलाइड। दैट मीन्स अगर आपका कार्बन जैसे यहाँ पे, तो इसका नाम क्या किया था हमने,
क्या यूज किया था, हेलो अल्किन, हेलो अगर शील है तो क्लोरो बोल दोगे, बीआर है तो ब्रोमो बोल दोगे, आयोडीन होता है तो आयोडो बोल देते आप। तो यहाँ पे अगर ये तो इसका इफेक्ट नेम, कॉमन नेम आपको करना है तो अल्काइल लाइट, अल्काइल मतलब कार्बन एक है, तो आप इसका नाम लिखते हैं कि मिथाइल आपके पास क्लोराइड। तो ये तो हो गया सिंपल पहला फंक्शनल ग्रुप, लाइक सिंपल हेलोजन ही लगा दे तो उसका नेम ही बताया हमने जनरल। लेकिन सपोज आपने ये कर लिया स्टूडेंट्स, सी एच फोर में से एक अच हटाकर आपने ओच लगा दिया, ठीक है, अल्कोहल बना दिया, सपोज सी एच थ्री ओच, तो इसका नाम क्या होता है, मीथेनोल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे आर कोई भी अल्काइल चेन हो जाए ओच, इसको बोला जाता है अल्कोहल ग्रुप, ओच वाले को क्या नाम बोला जाता है, अल्कोहल। तो इसके लिए इफेक्ट नेमिंग जनरल सा क्या ध्यान रखना है आपको, अल्केनोल, ये याद रखो सिर्फ आप अल्केनोल, क्योंकि यहाँ पे जैसे अल्केन का ई लिखते हैं बाद में ओ आता है, तो आयुपक हमें बोलता है कि दो अवल साथ नहीं आते, तो आपको अल्केन का ई हटा देना रो लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन था तो मीथ यूज कर लिया, सिंगल बोंड है तो एन यूज कर लिया, ओज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ओल, तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन ओल, ओल लगा देंगे। ये जनरल रूल किसका है स्टूडेंट्स, आपका अल्कोहल का आईपैक नेमिंग करनी हो तो यहाँ पे एज ए चेन सिंपल एक में ही है तो सफिक्स में इसका यूज होता है ओल, अगर ये एज ए परफिक्स हो वो भी हम बताएंगे आपको तो यूज होता है आपका हाइड्रोक्सी, और इसकी दो वीडियोस हमने चैनल पे भी डाल रखी है पहले 10th क्लास वाले में की थी तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ये क्या हमने अल्कोहल का, अगर मान लो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे अब की बार एच हटा दिया या हम कोई ग्रुप लगा लिया एच को हटाकर, मान लो हमने ये कर दिया सी एच थ्री एक एच हटाकर हमने ग्रुप लगा दिया सी एच ओ, या दूसरा कोई मान लो, इसका तो आपका हो चुका है दूसरा मान लीजिए ताकि सभी फंक्शन ग्रुप का पता चल जाए आपको, अगर कोई आर एक्स है कोई ग्रुप लगाए तो इसका आईपैक नेमिंग क्या लिखना है स्टूडेंट्स आपको, हेलो अल्केन, आर पे डिपेंड करेगा, वो एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, पहला। दूसरा अगर एक्स को हटाकर ओ चल जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्केनोल, क्या हो जाएगा, अल्केनोल। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे R के साथ में सी एच ओ लग जाए इस ग्रुप को बोला जाता है अल्डेहाइड, क्या बोला जाता है, अल्डेहाइड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्केनल, ए एल की जगह यहाँ ओ एल की जगह ए लग जाएगा, अल्डेहाइड के लिए सफिक्स में यूज करते हैं मेन चेन में ए एल, अल्केनल। जैसे मान लो एक कार्बन का होता सी एच थ्री सी एच ओ, इसका भी कार्बन काउंट करना है, दो कार्बन हो जाते तो इथेनल, तीन हो जाते तो प्रोपेनल, चार हो जाते तो ब्यूटेनल, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल का, अल्डिहाइड का। अगर आपका ऐसा दे रखा है R C डबल बॉन्ड O R, इसको ऐसे लिख दो या R C O R में लिख दो, इसको कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन ग्रुप है आपका, तो कीटोन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम अल्केनोन, क्या यूज करोगे, अल्केनोन, बस ये याद रखना है कीटोन के लिए लगाएंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में हमने R की जगह लिख दिया सी एच थ्री, यहाँ पे लिख देते सी एच थ्री, कार्बन काउंट करो वन टू थ्री, तीन कार्बन है तो क्या यूज करोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इनमें तो एन, और कीटोन के लिए ओन, और कौन सी पोजीशन पे, टू पे, तो इसका आंसर लिख सकते थे प्रोप एन टू ओन, ओन वर्ड यूज करोगे। अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स आर के साथ में सी डब्लू एच, सी डब्लू एच जो ग्रुप है इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए यूज करते हैं अल्केनोइक एसिड, क्या यूज करेंगे, अल्केनोइक एसिड। मान लो अगर कार्बन जैसे एक इसमें कार्बन ले लेते सपोज एक यहाँ पे दो कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे होता है एच सी डब्लू एच तो आप क्या बोल सकते थे उसके, मीथेनोइक एसिड, इस टाइप से। ये पांचवा है, एक बार इसको याद कर लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप बताते हैं जिनका काम आएगा। पांच के बाद में नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका R के साथ में NH2 लगा रखा है तो इस ये ग्रुप होता है अमीन, क्या ग्रुप बोलते हैं इसको, अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन अमीन, क्या बोलेंगे इसको, अल्केन अमीन, दो अवल साथ नहीं आते इसलिए N के आगे जो E होता है उसको हम हटा देते हैं, तो इसका नाम होता है अल्केन अमीन। मान लो एक कार्बन होता है यहाँ पे तो मीथेन अमीन हो जाता है, दो होता तो इथेन अमीन, तीन है तो प्रोपेन अमीन, ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स NH2 की जगह NO2 लगा रखा तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। जैसे अगर एक कार्बन होता तो इसका नाम हो जाता नाइट्रोमीथेन, दो होते तो नाइट्रोइथेन, तीन होते तो नाइट्रो प्रोपेन, ऐसे करना था आपको। अगर यहाँ पे स्टूडेंट CN होता इसको बोला जाता है नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाता अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। जैसे एक कार्बन होता तो आपके पास मीथेन नाइट्राइल, दो होते तो इथेन नाइट्राइल, चार होते तो प्रोपेन नाइट्राइल, इस टाइप से आपको करने थे। ये तो हुए आठ वाले। उसके बाद में एस्ट्रा आ जाए स्टूडेंट्स आपको, जैसे ये होता है R C डबल बॉन्ड O R, इस पूरी मॉलिक्यूल को बोला जाता है एस्टर, कौन सा ग्रुप होता है एस्टर, एस्टर के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स ओ ए टी, ओ एट, कार्बन काउंट कर लेना है आपको और ओ एट लगा दोगे। वैसे आपको करोगे कैसे इसका, अगर यहाँ पे एक और बता देते हैं, जैसे आर ओ आर होता है इसको बोला जाता है ईथर, क्या बोला जाता है ईथर, तो इसका इफेक्ट नेमिंग का वे होता है अल्कोक्सी एल्केन, क्या होता है अल्कोक्सी एल्केन,
और इसका होता है स्टूडेंट्स अल्काइल एल्कोनोइड, अल्काइल एल्केनोइड। अब जैसे हम एक एग्जांपल बता देते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स ऐसे कर रखा है CH3O C2H5, आपको कह दें जैसे आर ओ आर दिख गया, जैसे यहाँ पे आर अल्काइल ग्रुप दो ग्राम की चीज़ है, यहाँ एक है बीच में ऑक्सीजन है, तो आई पे किन कहता है अल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी उस साइड लगाना जिस साइड कार्बन कम हो, जैसे यहाँ कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हो, लगाना क्या है मिथोक्सी, तो इसका मिथोक्सी, दो कार्बन है तो इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। ये तो था स्टूडेंट्स ईथर, ईथर का बताया। एस्टर का कैसे करना है, मान लो इसमें आर के अगर एक कार्बन होता ऐसे CH3 लगा होता आपका, और यहाँ पे भी सपोज मान लो CH3 लगा होता, तो आप चेक कीजिए इसका होता है अल्काइल एल्केनोइड। तो आपको करना है एक कार्बन और एक कार्बन कितने हो गए दो, दो के लिए क्या हो जाएगा इथाइल, यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मिथेनोइड, तो इथाइल मिथेनोइड यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपने 10 बता दिए आपको, मेनली आपको इनसे काम चल जाएगा। एनहाइड्राइड वाले के लिए एनहाइड्राइड यूज कर लेते हैं, जो मेन मेन थे आपके उन इतने ही है, जैसे अल्कोहल का मेन था, एल्डिहाइड था आपका ये यूज करते हैं, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक लगाते हैं, एस्टर के लिए ओइट, एल्किनोइड, ईथर का पता होना चाहिए आपको, अमीन, नाइट्राइल के लिए, नाइट्रो के लिए क्या लगाएंगे। ये तो गेन के सफिक्स वाले जो मेन पेरेंट चेन में आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ऐसा आ जाए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप मान लो एक चेन है कोई, उसमें आपके हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आप देखना क्या मतलब है इसका। जैसे ऐसे है, ऐसे लगा रखा आपका, यहाँ पे मान लो आपका लगा दिया हमने BR, यहाँ लगा दिया हमने ON, ऐसे ये वैलेंसी तो आप पूरी कर ही लोगे, चेक करनी है। अब आपको स्टूडेंट्स कह दें इसका आयोपिक नेमिंग करो, तो आप चेक कीजिए, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी फंक्शन में आ गया, अल्कोहल भी आ गया, और यहाँ हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन तो ऐसे साइड सब्सटेंस में काउंट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम इस साइड से शुरू करें या इसको मेन चेन माने किसको काउंट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर की वीडियोस बनाई थी आपको, फिर भी एक बार मेन मेन की बता देते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर रहती है सल्फोनिक एसिड की, फिर रहती है स्टूडेंट्स एल्डिहाइड वाले की, फिर कीटोन वाले की, फिर अल्कोहल की, फिर थायोअल्कोहल एसच, फिर अमीन की, बाद में ऐसे चलते रहते हैं जो मेन वाले। इससे पहले आ जाएगा कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक के बाद में यहाँ आ जा सकता है आपका एस्टर वाला, और एनहाइड्राइड बीच में आ जाएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन इनकी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एसिड है तो आपको इसको साइड से ही शुरू करनी है, यही अपना मेन चेन भी होगा, उसको एज ए सफिक्स बोला जाता है। तो ये कार्बन एक हो गया, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। ठीक है, फिर हमने आपको आईपैक लिखने का एक रूल बताया था, कैसे लिखते हैं, जैसे ये होता था रूल, पहले आता है सेकेंडरी परफिक्स, फिर आता है प्राइमरी परफिक्स, इसका मीनिंग बताएंगे क्या आपको, फिर आता है मेन रूट चेन, फिर आता है आपका स्टूडेंट्स प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें क्या आता है, यहाँ पे मेन रूट चेन का मतलब होता है कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है तो मी, दो है तो ई, तीन है तो प्रोपिस टाइप से, और प्राइमरी सफिक्स में आते हैं बोन्ड, अगर सिंगल बोन्ड है तो एन डबल है तो एन ट्रिपल है तो वाइन, और सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी हमने मेन फंक्शनल ग्रुप पढ़े अल्कोहल एल्केन कार्बोक्सिलिक एस्टरामीन वो वाले। प्राइमरी परफिक्स में आते हैं साइड सब्सटीट्यूएंट्स, या तो आपका कोई अल्काइल ग्रुप मिलेगा या आपको हैलोजन मिलेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी परफिक्स में आते हैं रिंग वाले, अगर रिंग है तो बड़ी यूज करते हैं साइक्लो, अब रिंग है नहीं इसका मतलब सबसे पहले नाम करना है परफिक्स का, यहाँ पे परफिक्स कौन है, OH भी एज ए परफिक्स है, BR भी एज ए परफिक्स है, साइड सब्सटीट्यूएंट बोला जाता है इसको, ये मेन चेन होगी इसको सफिक्स बोला जाता है। अब आपको बताना चाहिए हमने वीडियोस बनाई थी उसमें लिखा रखा है OH के लिए जी ये परफिक्स में है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, क्या यूज करोगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी, और नंबर भी देना है, और BR है तो ब्रोमो यूज करोगे, CL होता तो क्लोरो, अभी देखिए 1 2 3 4, अब आपको पता चल गया कि तीसरी पोजिशन पे तो कौन है स्टूडेंट्स ब्रोमो है, 3 ब्रोमो करना आपको डैश लगा के, फोर्थ पोजिशन पे क्या है उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, इसको हमने पहले क्यों लिखा बी अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले आता है, तो लिखने में पहले उसको लिखोगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले आता है, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। अब कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 के लिए क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स पेंट, सभी में सिंगल बोन्ड है तो एन लिख लिया, ई वाला कैंसिल हो जाता है, और COH के लिए क्या लगता है ओइक, एक कार्बन है तो नंबर की जरूरत भी नहीं है, पेंटेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाता 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये इसका नाम हो जाएगा, ये आपने कर लिया, तो ये तो था अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप तो इस ऑर्डर का पता होना चाहिए, ये रूल्स होता है सिंपल वाला। ठीक है, तो वैसे आप रूल्स यूज कर लोगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा हो जाए कि अगर आपकी कोई कार्बन चेन दे रखी है, मान लो इस टाइप की है,
फिर आपको देखना हो कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे। मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, फंक्शनल ग्रुप दे देना तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को रहती है, फिर हम मल्टीप्लिसिटी वाले को देते हैं मतलब डबल या ट्रिपल को, फिर हम परफिक्स वाले को देते हैं साइड सब स्टूडेंट्स में कौन है, फिर जो हैलोजन वाले आ जाते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स इसमें दो कंडीशन बताई हैं इफेक्ट ने, आपकी कोई कार्बन चेन है मान लो अपनी नंबरिंग की, सपोज यहाँ से नंबर कर रहे हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को नंबर तो मिल रहा है स्टूडेंट्स 1, ट्रिपल को मिल रहा है तीसरा, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे रिवर्स हो रहा है, ट्रिपल को एक मिल रहा है और इसको मिल रहा है थर्ड मिल रहा है। तो आईयूपीएसी कहता है कि ऐसी कोई कार्बन चेन है आपने नंबरिंग की, दोनों साइड से सेम ही मिल रहा है, जैसे 1 3 यहाँ पे मिल रहा था, 3 1 सेम नंबर है। तो आईयूपीएसी हमें क्या बोलता है कि आपको नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को ना कम नंबर मिले। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, दैट मीन्स आपको प्रायोरिटी साइड से शुरू करनी है। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चार कार्बन है तो आप चार कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एक मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, कार्बन 1 2 3 4, चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए आपको ब्यूट यूज करना है। अब 1 के ऊपर इन है, 1 के ऊपर आपका क्या है इन है, 3 पोजीशन पे क्या है वाई एन है। अब आई पे कहता है कि इस टाइप की कंडीशन है तो आपको प्रायोरिटी उस साइड से देनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपकी कोई कार्बन चेन इस साइड की है, ऐसा कर रखा है मान लो ये होती, तो आप नंबर अब इस साइड से शुरू करोगे इस साइड से, तो आपको करना है अगर इन इक्वल नंबर मिल रहा है तो आपको जो पहले आ रहा है ऑर्डर में, अब यहाँ से ट्रिपल को एक नंबर मिल रहा है, इस साइड से ज्यादा नंबर मिल रहा है दोनों, इसको भी ज्यादा मिल रहा है, तो आप प्रायोरिटी आपकी बार इस साइड से रहेगी, आपकी नंबर चेन देख ली ना कौन से नंबर पे। ये तो था इनके लिए। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा मिलता तो आप इस साइड से प्रायोरिटी नहीं देते, तो अब ये करनी होती है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, बाद में डबल या ट्रिपल को चेक करना होता है, बाद में जो प्रीफिक्स लगे हुए हैं उनको देख लेना होता है, ठीक है, फिर आप नंबरिंग कर देते हो। तो ये जंबल से रूल्स थे। और अगर स्टूडेंट्स रिंग वाले आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, तो रिंग के लिए क्या यूज करोगे आप, साइकिल। इसका क्या मतलब है, तीन कार्बन है 1 2 3, थ्री कार्बन के लिए क्या यूज करोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे एन। अगर इसी में यहाँ डबल होता तो आपको नंबरिंग इस साइड से शुरू करनी थी 1 2 3, तो साइक्लो प्रोप तो सेम होता, अब की बार डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे लिख देते साइक्लो प्रोप 1 इन, 1 के ऊपर इन है। और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट लगा देते मान लो एक कार्बन है तो आप लिखते कि कौन सी पोजिशन पे क्या लगाओ, पहले डबल बॉन्ड को ही रहेगा बाद में इसको रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दे देते जैसे 3 पे है तो लिख देते 3-methyl cyclo prop 1-ene, अगर दो कार्बन की चेन होती तो आप इथाइल बोल देते, ठीक है। तो रिंग के लिए ऐसे कर लेना आपको। और अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स एरोमेटिक आपको पता है बेंजीन का, और अगर किसी स्टूडेंट्स को एरोमेटिक चेक नहीं करना आता तो हमने चैनल्स पे वीडियोस बना रखी हैं, चेक कर सकते हो। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक है, प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, हैकल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन है 2 4 एंड 6, तो दैट मींस हैकल रूल को फॉलो कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वहां पे नेमिंग कैसे करनी है, इसका कॉमन नेम क्या यूज कर, वैसे बोलते हैं इसको बेंजीन, तो बेंजीन यूज ही कर लेते हैं। वैसे अगर साइक्लो वाले में करें तो उसका नाम हो सकता था रिंग के लिए साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, फिर नंबर दे देते 1 2 3 4 5, ऐसे 1 3 5 ट्राइइन ऐसे बोल दो। लेकिन अब तुम्हें यूज करना है बेंजीन, अब आपको क्या यूज करना है बेंजीन। मान लो यहाँ पे ग्रुप लगा है स्टूडेंट्स BR, यहाँ पे भी BR लगा है, ठीक है। तो अगर आपको अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पोजीशन दे लीजिए जहां से ग्रुप लगे, कौन सी स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको नंबरिंग लिखनी है, पहले कौन सी पोजीशन पे है 1 पे, कोमा लगा के दूसरी पोजीशन 2 पे। अब दोनों अगर सेम है, दो ग्रुप सेम है, तो क्या यूज लगाते हो वहां पे डाई, और BR के लिए क्या यूज करोगे ब्रोमो, और ड्रिंक के लिए क्या यूज करोगे पूरे के नाम होता है बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होता है थर्ड पोजीशन पे तो नाम लिख देते 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगर स्टूडेंट आपको इनका कॉमन नेम करना होता है तब आपको बताया फर्स्ट और टू दो फंक्शन को पोजिशन पे है तो ऑर्थो यूज करते हैं, 1 और 3 होते हैं तो मेटा, 1 और 4 होते हैं तो पैरा, वो यूज करना होता है आपको कॉमन नेम में। आईपैक नेम में आप ऑर्थो पैरा मेटा यूज नहीं करते, वह नंबरिंग देकर ही क्वेश्चन सोल्व करना है। मान लो इसी क्वेश्चन में BR नहीं होता, यहाँ पे CL होता, तो आप क्या लिखते, अब आप डाई नहीं लगाते क्योंकि अलग है, तो 1 के ऊपर लिखते ब्रोमो, कोमा लगा के 1 के ऊपर क्लोरो, फिर ब्रो बेंजीन, ऐसे लिखते आप नंबरिंग देके। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की हमने आपको बता दी गई है।
पहले वाले रिंग्स के लिए वो सिंपल वाले थे, अब आपका काम क्या रहता है प्रैक्टिसिंग, जितनी प्रैक्टिस करोगे आईपैक नेमिंग में उतनी ही ज़्यादा आएगी। एक बार आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स याद हो जाएंगे, रूल्स का पता चल जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी रहती है तो कमेंट